कैंसर को लेके दुनिया भर में रिसर्च होती रहती है, लेकिन इस बार भारत में चंडीगढ़ पीजीआई ने बाजी मारी है और देश में पहली बार कैंसर को लेके एक अपनी तरह की रिसर्च हुई है और पीजीआई की डॉक्टर हैं जो उनको अमेरिका में अवार्ड भी मिला है। क्या रिसर्च है, किस तरह से अलग है, क्यों भारत का डंका दुनिया में बजा है, विस्तार से जानकारी देंगे। पहले तो आप ये जो अवार्ड जो मिला है उस पर नजर डालिए। अमेरिकन एसोसिएशन कैंसर रिसर्च ने वुमेन कैंसर जो अवार्ड दिया है डॉक्टर अनिष्का चौहान अंशिका चौहान को, और डॉक्टर अर्नब जो है प्रोफेसर हैं यहां पर बायो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, वो भी साथ में मौजूद हैं। तो मैं जो बात करूं कि पहली बार देश में इस तरह की रिसर्च हुई है, सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर साहब, आपको पहले बहुत बहुत बधाई इस अवार्ड की। थैंक यू। और जब मैं कह रहा हूं कि भारत में पहली बार और दुनिया में डंका बजा, तो इसका बहुत बड़े मायने हो जाते हैं। कैंसर में किस तरह की रिसर्च है, क्या अलग है? हमने इस चीज के लिए अपने पहले कैंसर पेशेंट्स को लिया, ठीक है, हमने ओरल कैंसर पेशेंट्स को लिया जिसमें जो हमारे कंट्री की प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा, क्योंकि टबैको यूजेज और इन चीजों की वजह से सबसे ज्यादा कैंसर, ये वाला मुंह का कैंसर हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। तो इन कैंसर में क्या होता है कि हम पेशेंट को ट्रीट कर देते हैं और पेशेंट इनिशियली ठीक भी हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जो कैंसर है वो दोबारा वापिस आ जाता है। तो हमने इस प्रॉब्लम को समझा और देखा कि कुछ सेल्स जो हैं वो पेशेंट के खून में रहते हैं, तो अगर हम उन सेल को पहले ही पहचान ले और पेशेंट की थेरेपी को कुछ चेंज कर दे, मॉडिफाई कर दे हम, तो उससे हम पेशेंट को जो दोबारा से कैंसर होता है उसको बचा सकते हैं और पेशेंट की लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जब हमने देखा उन जो कैंसर सेल हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए कोई टेक्निक नहीं थी इंडिया में, तो हमने सोचा कि हम ऐसी अपनी टेक्निक बनाते हैं और जो बाहर की दुनिया में जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो टेक्निक्स अवेलेबल हैं उनका प्राइस, जो इंस्ट्रूमेंट है उसका प्राइस 5 करोड़ है और हर पेशेंट सैंपल के लिए 70,000 रूपये लगते हैं, तो जो हमारे पेशेंट तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए हमने अपनी टेक्निक बनाई, हमने उसको स्टैंडर्डाइज किया, ऑप्टिमाइज किया, और जो उसका जो प्राइस है वो अभी हमारा पर सैंपल हम 5,000 से 7,000 में कर देते हैं, और जो हमारे टर्शरी केयर सेंटर में जो जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है उनको लेके हम वो अपना टेस्ट कर सकते हैं। तो उस चीज का हमने अभी पेटेंट भी करा दिया है उस टेक्निक के लिए, तो अभी हम इसको मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स करेंगे कि हमारे पेशेंट में उस चीज को डिटेक्ट करके, उन कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करके कितना फायदा पेशेंट्स को हो रहा है। यानी कंशिका जी, अगर मैं सीधा सीधा समझूं कि जो अर्ली डिटेक्शन की बात करते हैं कि कैंसर हुआ लेकिन आगे कितना फैल रहा नहीं फैल रहा, ये टेस्ट उसमें हेल्प करेगा और ये कहीं ना कहीं पेशेंट के लिए बहुत इजी हो जाएगा, चाहे वो कॉस्ट वाइज हो, चाहे उसके कैंसर को आगे रोकने के और उसको बचाव के उपाय की बात हो। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, क्योंकि हम वही है, हम पेशेंट को ट्रीट तो कर देते हैं लेकिन वो फिर से अगर उसमें कैंसर आ गया तो एक सर्टेन टाइम के बाद उसके लिए कोई थेरेपी की और ऑप्शंस नहीं रह जाते हैं। तो अगर हम पहले ही थेरेपी से पहले ही बता देंगे कि ये पेशेंट को रिकरेंस हो जाएगा अपनी जो स्टैंडर्ड थेरेपी है, तो हम कोई और तरीके की थेरेपीज उस पेशेंट को दे सकते हैं। मतलब पेशेंट टू पेशेंट हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस पेशेंट को ये थेरेपी सही रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ कि उसमें वो कैंसर सेल्स हमें ब्लड में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अभी आपने कहा कि क्योंकि मुंह के कैंसर से इसकी शुरुआत है, ये बाकी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो फिर धीरे धीरे वहां भी ये चीज आएगी सामने? हाँ, हमने जो ये शुरुआत की है मुंह के कैंसर से की है, क्योंकि वो हमारी कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल कैंसर में, तो हम इसको और भी कैंसर्स में अभी इस टेक्निक को लेके आने की हम तैयारी कर रहे हैं। लाइक हमने अभी सर्वाइकल में थोड़ा शुरू किया है और भी हम और कैंसर्स में भी इनको अभी करेंगे रूटीन बेसिस पे, अभी शुरू करेंगे। जिस तरह आपने बताया कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो कॉस्ट है इंस्ट्रूमेंट की 5 करोड़ और सैंपल के 70,000, और इंडिया जैसी कंट्री में अगर 5,000 रूपये मरीज कैंसर के किसी ट्रीटमेंट में खर्च रहा है, तो आपको लगता है कि पूरे मास में फायदा जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम अपने ही इंस्टीट्यूट में देखें तो बहुत ज्यादा पेशेंट्स आते हैं मुंह के कैंसर के, और सारे पेशेंट्स मिला दे तो बहुत ही ज्यादा हमारा मास हो जाता है पेशेंट का। तो ये हर कैंसर के पेशेंट के लिए उपयोगी रहेगी, तो ये मतलब एक बहुत ज्यादा पेशेंट्स के काम आ सकती है, जो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स के। मैं भी डॉक्टर अर्नब से बात ही कर रहा था तो वो कह रहे थे अभी नाम रखना है। हाँ, इसका भी नाम रखना है, तो हम सोचे कि पीजीआई के नाम पे कुछ रखते हैं, या मतलब जिससे डिसाइड होगा। हाँ, अभी वो विद टाइम हम डिसाइड करेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली पीजीआई के नाम पे ही रखेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट में ही है कि हमने वो काम किया है, तो इंस्टीट्यूट के सपोर्ट की वजह से ही हम वो चीज कर पाए हैं, तो हम पीजीआई के नाम पे ही रखेंगे उसका नाम। डॉक्टर अनुपाल, जिस तरह से आपने
अच्छा ब्रीफ किया, क्योंकि आम आदमी को समझने में बहुत इजी होना चाहिए। एक चीज और है, जैसे अंशिका बता रही थी कि अब अर्ली डिटेक्शन की बात है, क्योंकि बायोप्सी एक मेन सोर्स होता है, या पेट स्कैन करा लिया तब कैंसर का पता चल जाता है, उसके बाद का फिर फॉलोअप के लिए इजी हो जाएगा। आप थोड़ा ब्रीफ में बताइए कि किस तरह से और ज्यादा, अगर आम भाषा में एक समझें कि अब पेशेंट आ गया, कैंसर पता लग गया, उसके बाद ये जो आपकी टेक्निक है उसके लिए एक संजीवनी साबित होगी। देखिए, सबसे बड़ी जो बात है कि एक बार बायोप्सी हो गया और कैंसर को हमने सर्जरी करके निकाल लिया, तो दोबारा हम नहीं कर सकते। बट इस टेक्निक से हम इसको बोलते हैं लिक्विड बायोप्सी। ये खून निकालते हैं, जैसे नॉर्मल खून की जांच होते हैं, हम बार बार कर सकते हैं। हम ये खून की जांच करके देख सकते हैं कि कैंसर वापस तो नहीं आ रहा है। बाद में जब वापस आ जाता है, जो हमें पेट स्कैन करके या सीटी स्कैन या और अदर इमेजिंग टेक्निक से पता चलते हैं, तब बहुत लेट हो चुका होता। तो हमारी ये टेक्निक में जब इक्का दुक्का सेल ब्लड में मिल जाता है, तभी भी हमें पता चल जाता है कि इनको 8 से 9 महीने बाद शायद इस सब मरीजों का दोबारा कैंसर वापस आ सकता है। तो ये जो 8 से 9 महीने टाइम फ्रेम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ए कैंसर, फॉर ए क्लिनिशियन। ये जो पार्ट है, इस पार्ट में हम अगर ट्रीटमेंट चालू कर दे तो पेशेंट का जो लाइफ स्पेन है उसको हम काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। यानी कि सीधा सीधा एक खून के सैंपल से आप इजी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, तो एक खून के सैंपल से हम बता सकते हैं कि कैंसर फैल चुका है या फैल रहा है। और ये करने के लिए हमें, जैसे अंशिका ने बताई कि वी कैन डिसाइड पर्सनलाइज कैंसर थेरेपी, जिसमें ऑलरेडी अर्ली मेटास्टेसिस और इनिशियली फैल रहे उसको हम कुछ ट्रीटमेंट दूसरा देंगे, जिसको पूरा फैल रहा है उनको ट्रीटमेंट और कुछ देंगे। सो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। पर्सनलाइज कैंसर डायग्नोस्टिक्स एंड पर्सनलाइज कैंसर थेरेपी के ये एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्योंकि जब बात हुई कि भारत में पहली बार और पीजीआई ने काम किया है, तो आपको लग रहा था जब चल रही थी रिसर्च के ये वाकई हो जाएगा पॉसिबल? देखिए, ये बहुत ही एक डिफिकल्ट सिनेरियो था। हमने इसके ऊपर बहुत कोशिश की है, 2019 से हमने इसको चालू किए हैं। ठीक है, हमने इस टेक्निक को एस्टेब्लिश करने के लिए 3 से 4 महीने लगाए, बहुत सारे वॉलंटियर्स के ब्लड लिए जिनमें से हम भी थे। उसके अंदर डिफरेंस, बिल्कुल एक चीज को स्क्रैच से स्टार्ट करके एक एस्टेब्लिश जगह पे लाना, ये बहुत ही डिफिकल्ट था। बट सब लोगों से हम अल्टीमेटली ये कर पाए, एंड हमारी ये टेक्निक जो है इंटरनेशनल जर्नल में एक्सेप्ट भी हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। और ये टेक्निक को यूज करके हम फॉर द टाइम बिंग हम पेशेंट का इन हाउस रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि जब तक ये डीसीजीआई की जो फाइनल अप्रूवल नहीं होगा तब तक हम ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं देते। बट एज ए रिसर्च लेवल हम पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट रिपोर्ट दे रहे हैं। आपने कहा 2019 से आपने शुरुआत की, तो जब ये शुरुआत हुई 2024 है, और अपना खून भी दिया है ना, कि मेहनत की और खून पसीना कहते हैं, तो उस टाइम पे लगा आपको कि एक होता ना कि आपको सक्सेस रेशो पता चल जाता कि हाँ कामयाब होंगे? उम्मीद तो पूरी थी, एंड वही उम्मीद के और हमने हार्डवर्क भी किया है। पर्टिकुलरली अंशिका ने बहुत हार्डवर्क किया है, बाकी हमारे टीम मेंबर्स भी हार्डवर्क किए, और उसी हार्डवर्क एंड इंटेलेक्चुअल इनपुट्स के बेस पे आज हम इस जगह पे खड़े हैं कि हम आज हमारे देशवासी के लिए एक नया टेक्निक जो मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड बहुत सस्ते में लाने का कतर में है। कितने लोगों पे सैंपल जैसे आप करते हैं? देखिए, हमने अभी तक जो हमारे पर डे हम दो तीन कैंसर मरीजों का करते हैं। ठीक है, हमने अभी तक ऑलमोस्ट 300-400 कैंसर पेशेंट का कर चुके हैं टेक्निक स्टैंडर्डाइज होने के बाद। ठीक है, ऑब्वियसली ये रिसर्च मोड में है, उनसे प्रॉपर एथिकल क्लियरेंस लेके, प्रॉपर उनसे कॉन्सेंट लेके हमने की हुए, तो हम और आईसीएमआर ने रिसेंटली हमें इस टेक्निक को वैलिडेट करने के लिए, मल्टीसेंटिक वैलिडेट करने के लिए ग्रांट भी दिए हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ही हमारे देशवासी के लिए हम कुछ कैंसर डायग्नोस्टिक्स में एक अच्छा टेक्निक ला पाएंगे। कैसा लग रहा है जब आपकी स्टूडेंट अवार्ड लेके आई और रिसर्च उद्यन दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जहां पे इसको अवार्ड मिला, मैं भी उस फंक्शन में था। इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर नॉट ओनली फॉर हर बट फॉर मी आल्सो, एंड पूरा देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और ये अवार्ड इस बार सिर्फ शी इज द ओनली वन हु इज नॉट फ्रॉम अमेरिका, ये पहली भारतीय। अंशिका, जब लगा वहां पे आपने अवार्ड उठाया,
ऐसा लगे ओलंपिक का जो मेडल होता है ना, वो वाली फीलिंग आई। हाँ, हम साइंटिस्ट हैं तो हम ओलंपिक तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ हम मतलब यही हमारे लिए लाइक ओलंपिक मेडल है। तो जब हमारी रिसर्च से सबसे ज्यादा तो हमें सेटिस्फेक्शन तब होता है जब हम पेशेंट्स के लिए कुछ करते हैं। जब मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की थी तो मैंने सर को भी बोला कि हम ऐसा कुछ करते हैं जो डायरेक्टली पेशेंट के सच में काम आ सके, क्योंकि हम पेशेंट से ब्लड भी लेते हैं, उन रिसर्च पर्पज के लिए हम सारी चीजें करते हैं, तो हमें पेशेंट्स के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने जब मेरी ये पीएचडी थीसिस का ही काम था तो इसीलिए ये चीज हमने चूज की। ऑल्दो बहुत मतलब मुश्किल था कि इनिशियली नहीं लग रहा था कि ये मतलब होगा, बट एवरी टाइम हमने प्लानिंग किया, बार बार फेलियर्स और उसके बाद, लेकिन जब फर्स्ट टाइम ये हमें दिखे कि हाँ हम सेल्स आइसोलेट कर पा रहे हैं, वो सबसे बेस्ट मोमेंट था मेरे लिए। और ये एज नॉन यूएस होने के बावजूद भी ये मुझे मिला, मतलब फर्स्ट टाइम यूएस से बाहर के किसी स्कॉलर को ये मिल रहा था। तो सीधा गए हम, भारत का झंडा आपने बुलंद कर दिया। हाँ, पहला किसी पहले भारतीय को कह सकते हैं। हाँ ऑफकोर्स, एंड उन्होंने मुझे वहां पे बोला भी कि लाइक आप बोलो कि इसको मिलके कैसा लग रहा है। तो हाँ, मैंने वहां पे बोला कि आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई एम द ओनली पर्सन देयर। सो मुझे सच में अच्छा लगा कि हाँ हम इंडिया का नाम वहां पे भी कर पा रहे, कि हम लोग भी कुछ कर रहे हैं। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंशिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो ये अवार्ड आप देखिए, मैं फिर से कहूंगा अपने विजय को एक बार इस पे जरूर फोकस करें कि ये कहने को आपको लग रहा है एक अवार्ड है, लेकिन इससे सोचिए कि जो मरीज हैं, खासकर भारत की बात करूं तो पहली बार अगर कोई चीज होती है तो, और भारत की है किसी साइंटिस्ट को ये अवार्ड मिला, तो अपने आप में उसके मायने, उसका जो रुतबा है वो बढ़ जाता है। और एक नई जो चीज निकल कर आई है कि कैंसर को लेकर, क्योंकि कैंसर के मामले दुनिया भर में बढ़ रहे हैं तेजी से, भारत भी एक बड़ी आबादी है, और इस तरह की रिसर्च मरीजों को निसंदेह बहुत बड़ा लाभ देगी।